जैसा कि आज आरआरसी चैनल ने अपना लेवल वन यानी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। और बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है। आज का बात करें इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ काफ़ी हद तक हाई गया हुआ है, काफ़ी नंबर तक इनके जो है। दोस्तों जैसा कि कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ जो है आपका 4 से 5 नंबर तक बढ़ेगा, उससे अधिक नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ को देखने को मिला है, यानी कट ऑफ में 10 से 12 तक नंबर इंक्रीज हुए हैं। और ये जैसा कि बहुत अधिक है, ऐसा कैंडिडेट ने सोचा भी नहीं था, मतलब कि इतना नंबर तक कट ऑफ इंक्रीज होगा। और कट ऑफ की बात करें तो इतना कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही है कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में पास हुए हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ हाई गया हुआ है, और पहले के मुकाबले जब पैट में कट ऑफ हुआ था उससे कितना अधिक नंबर तक इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि देखें, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं, यूआर में आपको नॉर्मल जो है आपका 67 तक गया हुआ है, जो कि काफ़ी नंबर तक इंक्रीज हुआ है। और एससी की बात करें तो 56 तक, इसमें भी काफ़ी अच्छा मार्क्स बढ़ा हुआ है। और एसटी की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्क्स एसटी कैटेगरी में इंक्रीज हुआ है अब की बार। और जैसे कि उससे पहले देखा गया था ओबीसी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। दोस्तों एक बार बार कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कैटेगरीज वाइज, किसी कैटेगरी में कहीं पर ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी तक जैसे भी बाकी एग्जामों में देखा गया, बाकी बोर्डों में देखा गया, तो जनरल कैटेगरी में कमी मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, बाकी जो आपके एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यू से इनमें ज़्यादा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो जितना मेरिट लो जा रहा है उसमें उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फाइनल मेरिट में जाके। और दोस्तों देखते हैं भी उसमें किस प्रकार इंक्रीज हो रहा है। और ओबीसी की बात करें तो 63 पर गया हुआ है, और ईडब्ल्यू में आपका 47 तक इंक्रीज हुआ है। यानी कि देखेंगे इसमें कट ऑफ जो कितना इंक्रीज हुआ है। और इसमें देखो दोस्तों, इसमें डेट ऑफ बर्थ का मेंशन कर रखा है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ का शेड्यूल देखा है, यानी कि आपका जो आपके एससी में देखो जनरल कैटेगरी में नील है, एससी कैटेगरी में यानी कि आपके 1997 में से जो भी इस डेट से ऊपर के कैंडिडेट हैं उनको लिया गया है, और एसटी कैटेगरी में 1998 तक के हैं जो उनके ऊपर लिया उनको लिया गया है, और ओबीसी में आपके 1993 तक के जो कैंडिडेट हैं उनको ऊपर लिया गया है, जो कि आपके 2 जुलाई और उससे ऊपर के कैंडिडेट हैं। 2 जुलाई 1993 तक के कैंडिडेट हैं, वहाँ तक के कैंडिडेट को लिया गया है। और आपके ईडब्ल्यू में आपका नीला है, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी है। और आगे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यू में आपका कट ऑफ जनरल वालों को 41 गया है, एससी में 38 तक गया हुआ है, एसटी में नील है, और ओबीसी में आपका 30 गया है, और ईडब्ल्यू में आपका 46 तक चला गया है। और सीसीडब्ल्यू में देखते हैं अप्रेंटिस वालों में 40 जनरल कैटेगरी में 40 गया है, एससी में 30 और एसटी में 30 और ओबीसी में 30 और ईडब्ल्यू में आपका 46 तक गया हुआ है सीसीए में। और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट की बात करें तो इसमें भी इनका कट ऑफ देख लेते हैं, तो बीआई में इनका 50 गया हुआ है, और एचआई में 28 तक गया हुआ है, एलडी में 54 तक गया हुआ है, और एमडी में 34 तक गया हुआ है। आगे और देखें तो मतलब कि पैट की कट ऑफ गई थी उससे कितने अधिक मार्क्स इसमें गए हुए हैं। आपका यूआर में 60 यानी 7 नंबर तक इंक्रीज हुआ है, और एसए की बात करें तो इसमें आपका 55 था, और 56 के आसपास था, यानी कि इसमें भी आपका 6-7 नंबर इंक्रीज हुआ। और 43 यानी कि एसटी में सबसे ज़्यादा नंबर आपका इंक्रीज हुआ, यानी कि 12 नंबर में इंक्रीज हुआ आपका एसटी में। और ओबीसी में भी आपका 10 नंबर तक इंक्रीज हुआ है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपका 47 यानी कि आपका 7 नंबर तक इसमें भी इंक्रीज हुआ है। देखा जाए तो इसमें भी आपका 7 नंबर तक इंक्रीज हुआ है, और इसका ओबीसी को 63, इसमें आपका इसमें आपका ओबीसी में 8 नंबर तक इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर इसमें इंक्रीज हुआ है वो एसटी वाले कैंडिडेट का हुआ है, यानी कि 12 नंबर तक इसमें इंक्रीज हुआ है। काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें देखा गया कि इतने सारे जो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन ये था कि कैंडिडेट का 3 से 4 नंबर तक बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया कि मेरिट में 10 से 12 नंबर तक भी बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अभी इसमें देख सकते हैं कि एसटी में 12 नंबर तक इंक्रीज हुआ है। अभी इससे पहले सिकंदराबाद और मुंबई का भी गया था, उसमें भी काफ़ी हाई कट ऑफ गया था देखने को मिला था, 12-12 नंबर तक उसमें भी इंक्रीज हुआ था, 10-10 नंबर तक इंक्रीज हुआ था। सो इसका यानी कि इंक्रीज अधिक नंबर बढ़ने का मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट पैट को ज़्यादा क्वालिफाइड कर पाए हैं। और जैसे कि उसमें हमने देखा था तो पैट में, जैसे कि हमने चेन्नई का रिजल्ट भी देखा था पैट का, तो उसमें 1/3 कैंडिडेट फेल हो रहे थे, यानी कि 3 पे 1 कैंडिडेट फेल हो रहा था, 2 कैंडिडेट पास हो रहे थे। उसके बावजूद भी जो आपका मेरिट में बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं, और मेरिट में ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, और काफ़ी कैंडिडेट फिर भी ज़्यादा पास हुए हैं। जैसे कि 3 गुना कैंडिडेट ही बुलाए गए थे पैट के लिए, लेकिन मेरिट में इतना लंबा उतार चढ़ाव हुआ, ये थोड़ा ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, इतना नंबर तक कैसे जा सकता है, यानी 12-12 नंबर तक उतार चढ़ाव देखने को मिला मेरिट के अंदर।
और उसको देखते हैं जैसे कि अभी कुछ और मैट में जो भी होगा तो आगे बताया जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।